हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं गौरव्स आर्ट एंड क्राफ्ट वर्ल्ड। वेल, आज हम इस फेमस द सन ऑफ मैन पेंटिंग को रिक्रिएट करने वाले हैं विद सम इंडियन टच। इसके लिए हम कैमल के आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल यूज करने वाले हैं और इसको कैमल के स्केचबुक पे बनाने वाला हूं। सबसे पहले हमें इसका एक स्केच बनाना पड़ेगा। स्केच बनाने के बाद हम इसको कलर करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम स्किन पार्ट पे येलो ऑकर करेंगे। इसके ऊपर हल्का बर्न सियाना अप्लाई करेंगे। अभी व्हाइट से इसको थोड़ा ब्लेंड करना है। कलर करते वक्त ध्यान रखें कि वो लाइन से बाहर ना जाए और गंदा ना दिखे। पगड़ी पर पहले हम प्रशियन ब्लू यूज करेंगे। अभी थोड़ा इसको व्हाइट से ब्लेंड करेंगे। सेम ऐसे ही हम इनके शेरवानी को कलर करेंगे प्रशियन ब्लू से। व्हाइट देने के बाद फिर से थोड़ा प्रशियन ब्लू अप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसको हम अपने फिंगर्स से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। लीव्स को हम लाइट ग्रीन और डीप ग्रीन के कॉम्बिनेशन से करेंगे। शेरवानी के बटन्स के लिए हम ऐसे व्हाइट से कुछ डॉट्स बनाएंगे। इसके बाद हम बाकी के बैकग्राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। बैकग्राउंड के वॉल को हम लाइट पीच और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में करेंगे। कलर करने के बाद मास्किंग टेप को हम रिमूव कर देंगे। सो गाइस, हमारा आज का द सन ऑफ द मैन पेंटिंग का इंडियन टच वाला ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। टोकियो कैमलिन ने कैमल आर्टिस्ट कम्युनिटी के नाम से एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जहां आप अपने आर्ट आइडियाज और क्रिएटिविटी को शोकेस करके लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।